आज हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड की प्रिपरेशन की एक रिएक्शन है, रोजन मुंड रिडक्शन या रोजन मुंड रिएक्शन। सबसे पहले कंडीशन सुनो कि रोजन मुंड रिएक्शन किन कंडीशन पे अप्लाई होती है। ओनली एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड सपोज COCl, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड पे एप्लीकेबल होगी। और इसमें रिडक्शन होता है यानी हाइड्रोजन का जोड़ना, बट पार्शियल रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन नहीं होता है। तो एसिड हैलाइड लेना है, उसकी रिएक्शन करानी है, उसके रिडक्शन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ पीडी पैलेडियम ऑब्लिक BaSO4, बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में पीडी ऑब्लिक BaSO4। तो ये जो COCl है यानी एसिड हैलाइड है, इसका रिडक्शन हो जाता है एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड बस बन जाता है। अगर इतना सा कॉन्सेप्ट ये दिखाई दे, इतना लगाओ, तो समझ जाना रोजन मुंड रिएक्शन है। होता क्या है कि इसमें जैसे एसिड क्लोराइड ले लिया हमने, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, तो इसमें देखो COCl लगा है। अगर हमें पीडी ऑब्लिक BSO4 दिखाई दे तो इसका रिडक्शन हो जाएगा 2H, तो ये COCl की जगह पे हमने रख दिया CHO और एक एस से Cl निकल जाएगा, एसिटाल्डिहाइड बन गया। अगर हमने बेंजोइल क्लोराइड ले लिया तो COCl का अगर रिडक्शन करेंगे तो इस जगह पे आ जाता है CHO और साथ में HCl निकल जाएगा। तो सीधी बात है, COCl की जहाँ पे CHO रखना है, अगर प्रेजेंस लगाओ पीडी ऑब्लिक BSO4। रिडक्शन होता कैसे और ये BSO4 क्या करता है? पैलेडियम और बेरियम सल्फेट को हम बोलते हैं लाइंडलार कैटलिस्ट। लाइंडलार कैटलिस्ट जिसे हम सल्फर में पॉइजन कर देते हैं, इतने को हम बोलते हैं लाइंडलार कैटलिस्ट। तो अगर एसिड हैलाइड का स्ट्रक्चर ये है, अगर हम इसका रिडक्शन करेंगे 2H लगा के, तो एक एस से Cl निकल जाएगा, एक एच जुड़ जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। दोबारा अगर एल्डिहाइड का फिर से रिडक्शन करें तो एल्कोहल बनता है, बट इसमें तो केवल एल्डिहाइड यानी पार्शियल रिडक्शन होता है। इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेरियम सल्फेट का काम क्या है। बेरियम सल्फेट ही जो कंपाउंड है वो इस पैलेडियम के लिए कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है। यहाँ लिख दिया बेरियम सल्फेट एक्ट इज कैटालिटिक पॉइजन। अगर बेरियम सल्फेट ना लगा के केवल पैलेडियम लगाया जाए तब तो रिएक्शन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फिर से रिडक्शन होके एल्कोहल बनेगा, बट अगर बेरियम सल्फेट लगा दिया तो केवल रिएक्शन एल्डिहाइड तक होगी, क्योंकि ये बेरियम सल्फेट इस एल्डिहाइड का फिर से एल्कोहल में रिडक्शन नहीं होने देता, ये इसका रिडक्शन करने से रोक देता है। क्यों रोक देता है? देखो पैलेडियम एक मेटल है, मेटल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके ऊपर हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो जाती है। ये बेरियम सल्फेट जब इसमें भर जाएगा तो हाइड्रोजन कम एडजॉर्ब होगी, जब हाइड्रोजन कम एडजॉर्ब होगी तो इसका रिडक्शन केवल एक स्टेप तक जाएगा, यानी एसिड हैलाइड से केवल एल्डिहाइड तक बनेगा और ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से ये एल्डिहाइड से एल्कोहल फिर से नहीं बन पाता है। तो ये पूरी प्रोसेस में बेरियम सल्फेट एक कैटालिटिक पॉइजन का काम कर रहा है और इस एसिड हैलाइड का रिडक्शन करके इसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इतना सा कॉन्सेप्ट है, कभी भी तुम्हें COCl दिखाई दे उस पर पीडी ऑब्लिक BSO4 दिखाई दे तो उसे बस CHO में कन्वर्ट कर दिया करो। जैसे यहाँ COCl लिखा था यहाँ CHO लिख दिया, यहाँ COCl लिखा था यहाँ CHO, केवल एसिड हैलाइड को ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है यानी इसका पार्शियल रिडक्शन कर देता है। इसी को बोलते हैं रोजन मुंड रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच।